अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भांजी टके सिर खाजा। जिस नगर का राजा ही अंधा हो उसे क्या पता, हमारे किस नगर में आपदा आई है, किस नगर में बाढ़ आई है, किस नगर की प्रजा परेशान है। आज केरल की जनता मरने को मजबूर है, लेकिन हमारे देश का राजा हवाई जहाज से घूम रहा है। आज केरल का कोना कोना डूब गया, केरल की जनता सोच रही है शायद ऐसा कोई मसीहा आएगा जो हमें मौत के मुंह से निकाल के ले जाएगा। लेकिन हमारे देश का राजा श्री नरेंद्र मोदी पता नहीं किस दौरे पे है, किस हवाई जहाज से देख रहे हैं कि हमारे देश का प्रजा खुश है। आज इस देश की जनता एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है जो देश का प्रधानमंत्री कम अंबानी अडानी का चमचा ज्यादा लगता है। एक राज जो डूब गया वहां की जनता परेशान है, उसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी 100 करोड़ रुपया देते हैं, लेकिन अंबानी अडानी की जियो यूनिवर्सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपया दे देते हैं। अपने प्रचार प्रसार के लिए 4200 करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं। कुंभ मेला के लिए 4000 करोड़ रुपया दे देते हैं। लेकिन एक राज की जनता परेशान हो जाती है, उसका घर बार तबाह हो जाता है, उसे बचाने के लिए महज 100 करोड़ रुपए। हम इसे क्या कहें, दलाली कहें, चमचागिरी कहें या क्या कहें, लेकिन फिर भी देश की मीडिया खामोश बैठी है। देश की मीडिया कह रही प्रधानमंत्री जैसा कोई नहीं, देश का राजा हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो। वो कहावत सही है, जिस देश का प्रधानमंत्री ही गूंगा भेड़ा हो उस देश का अनर्थ होना तय है। आज केरल की जनता परेशान है, केरल का घर बार तबाह हो गया, वहां की जनता सोच रही है शायद हमें कोई बचा के ले जाए, लेकिन इस देश का राजा पता नहीं कहां सोया है। मेरे भाई, मैं जो बता रहा हूं सच्चाई है। आप दुआ कीजिए कि केरल की जनता बच जाए, केरल की जनता इस बर्बादी को टाल पाए, लेकिन शायद हमारे प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो केरल की जनता के साथ कुछ न्याय हो पाएगा। अभी तक तो हमारे केरल के साथ अन्याय हो रहा है। मेरे भाई, आप शेयर कीजिए, देश के मीडिया को जगाइए कि केरल की जनता के बारे में कुछ सोचे और केरल के बारे में दिखाए।